So, hello students, I am Poonam Saini, your new English teacher. So, आज हम English को बिल्कुल ही basic से start करने वाले हैं. English का वो portion जो आपके हर एक exam में important है या जहाँ से आपसे ज़्यादा से ज़्यादा questions पूछे जाते हैं. भले ही आप SSC follow कर रहे हैं, HSC follow कर रहे हैं, CET follow कर रहे हैं, banking है, NTT है, आपकी कोई भी एग्ज़ाम की फील्ड है और अगर उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश इंक्लूडेड है तो उसकी हर एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी. और हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल इजी तरीके से, जिस तरीके से हमने स्कूल लेवल पर सीखा था, फिर से उसी तरीके से कंटिन्यू करें. तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा नाउन का टॉपिक. हम इसका एक क्विक रिविजन कह सकते हैं या एक क्विक क्लास कह सकते हैं हम इसे. चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नाउन का टॉपिक. तो नाउन होता क्या है बेसिकली? नाउन को हिंदी में हम संज्ञा के नाम से जानते हैं. किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम जिसे हम कोई संज्ञा दे सके उसे हम संज्ञा कहते हैं. और यही सेम अगर मैं इंग्लिश में आपसे डेफिनेशन की बात करूं तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज नाउन. अब हम ये नाउन पढ़ क्यों रहे हैं टॉपिक, कारण क्या है, रीज़न क्या है? कारण ये है कि जब भी हमें किसी को कुछ नाम देना हो, उसे कोई संज्ञा देनी हो, किसी नाम से बुलाना हो, तो उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं. तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए कि अलग अलग इंसानों को या अलग अलग नामों को हम किस किस कैटेगरी में बांटते हैं, यही पढ़ने के लिए हम नाउन सीखते हैं. अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है? वो टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक से आपको जो सवाल जवाब होंगे एग्ज़ाम में वो तीन तरीक़ों से पूछे जाते हैं. पहला तरीका कि ये टॉपिक आपको मिलेगा स्पॉट द एरर नाम के टॉपिक में. दूसरा तरीका, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी मिल सकता है. तीसरा तरीका, ये आपको सेंटेंस के जो आपके उसमें इम्प्रूवमेंट होती है उसमें भी मिल सकता है. यानी कि तीसरे टॉपिक को हम कह सकते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का टॉपिक. तो चलिए बात करते हैं नाउन की उन पांच टाइप की. चलिए फर्स्ट टाइप को हम कह सकते हैं, जैसे हम नाम देते हैं प्रॉपर नाउन. सेकंड टाइप हमारी रहती है कॉमन नाउन. थर्ड टाइप हमारी रहती है कलेक्टिव नाउन. एंड फोर्थ टाइप हमारी रहती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड देन लास्ट टाइप इज मटेरियल नाउन. अब ये जो नाम मैंने इंग्लिश में आपको लिखकर दिए हैं, यही सेम नाम आप हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे स्कूल लेवल पर. अब यदि अगर मैं इन्हें हिंदी में लिखती तो शायद आप इजीली समझ पाते कि इन टाइप्स के क्या क्या शब्द हैं या इनमें आने वाले शब्द को हम क्या क्या लिख सकते हैं. जैसे हिंदी में यदि मैं लिखूं तो प्रॉपर नाउन को हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. इसी तरीके से यदि मैं अपने टाइप नंबर टू यानी कि कॉमन नाउन की बात करूं तो हिंदी में हम इसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा. इसी तरीके से हमारी टाइप नंबर थर्ड जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन, इसे हिंदी में हम कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा. फिर हमारी टाइप नंबर फोर जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा. फिर बात करते हैं हमारी आखिरी टाइप जिसका नाम इंग्लिश में है मटेरियल नाउन और इसे हिंदी में हम जानते हैं पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से.
तो ये नाम है आपके इंग्लिश में और ये नाम है आपके हिंदी में। अब देखिए, अब कंपैरिजन करने पर आप इजीली पता लगा पाएंगे या समझ पाएंगे कि हिंदी में जो हमने पढ़ा था वही सेम टू सेम इंग्लिश में है। बस ये है कि आपने कभी कंपैरिजन नहीं किया होगा इन चीज़ों का। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने आपको टाइप्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिख कर दी हैं, इनसे जुड़े हुए शब्द कैसे होंगे या इनमें क्या क्या रहेगा। तो चलिए बात करते हैं हम अपने टाइप नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम हमने लिखा था प्रॉपर नाउन, यानी कि हिंदी में मैं बोलूं तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, इंग्लिश के अकॉर्डिंग यदि हम इसके नाम पर जाएं, प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन शब्द जो अपने आप में प्रॉपर है, कंप्लीट है, पूरा है। और हिंदी अगर मैं जाऊं तो वहां पर हमने नाम दिया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति यानी कि किसी इंसान से जुड़ा हुआ नाम ही होगा, पर इस टाइप में हम उन सभी नामों को, उन सभी नाउन शब्द को रख सकते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं, पूरे हैं। कहने से मेरा मतलब है कि अगर आप किसी भी नाउन शब्द को या उसकी जो आइडेंटिटी है उसे अगर ट्रांसफ़र ना कर पाए, तो ऐसे जितने भी नाउन शब्द हैं वो सब के सब आप इस टाइप में रख सकते हैं अपने प्रॉपर नाउन की टाइप में। जैसे मैं किसी भी इंसान का नाम लिखूं, जैसे मैं बोलूं आपको राहुल, राजू, दिल्ली, मुंबई, केरला, कोलकाता, तो आप देखिए ये जितने भी नाम हैं सभी अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी लिए हुए हैं, और इन सभी नामों को हम जगह के हिसाब से बदल तो सकते हैं पर इनकी जो भौगोलिक स्थिति होगी वो हम आपस में एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इन शब्दों को हम अपनी प्रॉपर नाउन की टाइप में रखते हैं, ऐसे शब्द जो अपने आप में कंप्लीट हैं, पूरे हैं, जिनकी आप आइडेंटिटी ट्रांसफ़र ना कर पाएं। चलिए बात करते हैं फिर हम अपने टाइप नंबर टू की। टाइप नंबर टू को हमने नाम दिया था कॉमन नाउन, हिंदी में हमने इसे कहा था जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन इंग्लिश में नाम लेने से लग रहा है कि कुछ ऐसा शब्द जो अपने आप में बहुत कॉमन है, हर कोई उसके बारे में जानता होगा, और हिंदी में नाम लेने से ये लग रहा है कि कोई ऐसा शब्द जो पर्टिकुलर किसी एक जाति को दर्शा रहा होगा या उसके बारे में कुछ विवाद व्यक्त कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम उन शब्दों को रखेंगे जिनकी कोई ना कोई जाति ज़रूर है। जैसे मैं आपको शब्द लिख कर दूं, डॉग, कैट, काउ, या मैं आपको लिख कर दूं शब्द यहाँ पर टीचर, डॉक्टर, लॉयर, तो ये आपके जितने भी शब्द हैं सभी के सभी शब्द अपने आप में पर्टिकुलर किसी एक पूरी जाति के बारे में आपको बता रहे होंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा डॉग, अब डॉग हमारे गली में भी आसपास देखने को मिलेंगे, डॉग हमारे घर में भी देखने को मिलेंगे। क्या सभी एक ब्रीड के हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी अलग अलग ब्रीड के हैं और सभी अलग अलग प्रजातियों से बिलोंग करते हैं, इसी हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। इसी सेम तरीके से चाहे कि आप कैट कहें, काऊ कहें, टीचर कहें, डॉक्टर कहें, लॉयर कहें। अब आप देखिए, टीचर एक ऐसा नाउन शब्द है जो आप पूरी टीचर जाति को बताने के लिए लिखते हैं, पर यदि आप उसमें पर्टिकुलर डिफाइन कर देते हैं कि आप मैथ्स के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, तब वो आपका कॉमन नाउन नहीं रहता है। तो खाली टीचर शब्द लिख देने से वो आपका आ जाएगा कॉमन नाउन वाली टाइप में। चलिए देन नेक्स्ट बात करते हैं हमारी टाइप नंबर थ्री की, जिसे हमने नाम दिया था कलेक्टिव नाउन, हिंदी में हमने इसे कहा था समूहवाचक संज्ञा। अब इंग्लिश में नाम लेने से ये व्यक्त कर रहा है किसी भी कलेक्शन के बारे में, और हिंदी में नाम लेने से ये व्यक्त कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर एक समूह के बारे में। तो यहाँ पर हमारी टाइप नंबर थ्री में हम उन नाउन शब्दों को रखेंगे जो समूह में आते हैं, जो इकट्ठे रखे जाते हैं। जैसे मैं कहूँ
फूलों का एक गुलदस्ता, तो ये हो जाएगा बुके ऑफ फ्लावर्स। इसी तरीके से मैं लिखूं चाबियों का गुच्छा, तो इसे मैं लिख सकती हूँ बंच ऑफ कीज। इसी तरीके से मैं लिखूं कमेटी, कंपनी, पुलिस, गवर्नमेंट। तो ये सभी शब्द जो भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये सभी के सभी शब्द आपके कलेक्टिव नाउन में गिने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या एक से ज़्यादा है और ये समूह में गिने जाने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 को हमने इंग्लिश में नाम दिया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसे हिंदी में हमने बोला था भाववाचक संज्ञा। अब इंग्लिश में नाम लेने से शायद ही आपको समझ में आ रहा होगा, पर हाँ हिंदी में नाम लेते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इससे जुड़े हुए शब्द कैसे होंगे। भाववाचक संज्ञा, भाव यानी कि आपके खुद के इमोशंस, तो आपके इमोशंस से जुड़े हुए, आपके भावों से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं आप सब के सब यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आप खुश हैं, हैप्पी हैं, आप सैड हैं, आपका लव, हेट, एंगर, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, इस तरीके के आपके जितने भी शब्द होंगे जो भी आपके भावों से रिलेटेड होंगे वो हम अपनी इस टाइप में यानी कि टाइप नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 को इंग्लिश में हमने नाम दिया था मटेरियल नाउन, और हिंदी में हमने इसे नाम दिया था पदार्थवाचक संज्ञा, या हम इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। अब कारण क्या है उसे कहने का, देखिए जैसे इसमें हम वो शब्द रख सकते हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, आपका टिन, कॉपर, या आप यहाँ पर रख सकते हैं पेपर, वुड, कॉटन, शुगर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल। तो देखिए ये सभी शब्द आप हमारी टाइप नंबर 5 में यानी के मटेरियल नाउन में रख सकते हैं। अब मैंने आपको इसके दो नाम बताए, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। कारण क्या था, पदार्थ से आप डिनोट करेंगे अपने उन मेटल्स को जिनका नाम हमने यहाँ लिखा है, जैसे गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, टिन है, कॉपर है, ये सभी हमारे मेटल्स हैं, तो इन्हें हम सॉलिड फॉर्म में गिनते हैं, तो इन सभी को हम पदार्थवाचक संज्ञा के अकॉर्डिंग यहाँ रख सकते हैं। फिर मैंने कहा हम इसे द्रव्यवाचक भी बुला सकते हैं। द्रव्य मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे हमारा पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब के सब हमें पानी की फॉर्म में यानी कि लिक्विड के फॉर्म में मिलते हैं, तो इसीलिए हम द्रव्यवाचक के अकॉर्डिंग इसे यहाँ रखते हैं। तो ये वो सब शब्द हैं जो आप कच्चे फॉर्म में यानी कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि इन पर कोई प्रोसेसिंग की जाए तो प्रोसेसिंग करने के बाद हम इसे फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि तैयार माल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी शब्द हो तो वो सब के सब आप यहाँ पर टाइप नंबर 5 में यानी कि मटेरियल नाउन या यूँ कहूँ कि पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। तो ये थी हमारी नाउन की 5 टाइप जिन्हें आज हमने पढ़ा। कल की क्लास के लिए हम अपने रूल्स को रखते हैं, वे रूल्स जो एग्ज़ाम में हमें बहुत काम आने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम नाउन टॉपिक से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं या जो एरर्स हैं जिनसे सवाल जवाब आएंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं।